हेलो एवरीवन, मैं नरोत्तम बणिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी वीडियोस मैंने पहले नहीं बनाई, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और आगे बनाऊंगा कि नहीं ये डिपेंड करता है आप लोगों के रिएक्शंस के ऊपर। सो वीडियो में स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूँ टॉपिक है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। समझ में नहीं आया? अरे बाबा, WWE बचपन से देख देख के तो बड़े हुए, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि ये फेक था, पूरा बचपन फेक हम लोगों का, कुछ भी नहीं। नहीं, ये फेक नहीं, आज मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि WWE एकदम नारियल था। नारियल मतलब रियल, जो नारियल नहीं, फेक नहीं, रियल। अरे देखिए, समझ में आ जाएगा क्या था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो आज के वीडियो के लिए मैंने जो फर्स्ट क्लिप कलेक्ट की है बहुत ही तामझाम करके, उस क्लिप में है WWE के दो सबसे बड़े रेसलर्स, दी अंडरटेकर एंड जॉन सीना। आप लोग पहले वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो का लॉजिक फिजिक्स जो भी है बाद में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। क्या शॉट है, क्या शॉट है, तुरंत स्तरी वाला शॉट है। देखिए तो सही, कैसे लोग इसको फेक बोल सकते हैं, कहां से ये फेक है। अरे अंडरटेकर उड़ रहा है उड़ते हुए हाथ से। अरे अंडरटेकर के हाथ का एयर प्रेशर तो देखिए, एयर प्रेशर ने जॉन सीना को गिरा दिया नीचे। ओए होए होए होए, इसको कोई फेक बोलता है? ये तो एयर प्रेशर है, कॉम्प्लीट साइंस है ये। एयर प्रेशर की वजह से टच करने की जरूरत नहीं हुई, कॉम्प्लीट साइंस है, कॉम्प्लीट साइंस। अरे क्या शॉट है, वाह। इस मूव को देखिए, क्या मूव है। अरे वाह, जूता दिखाते ही जॉन सीना गिर गया। हाँ, जूते के नीचे गोबर लगा हुआ होगा तो गिरेगा ना, कोई भी गिरेगा, कोई भी हटने की कोशिश तो करेगा। आप में हम सब हटने की कोशिश करेंगे, इट्स ऑल अबाउट हाइजीन। जूते के नीचे का गोबर किसको पसंद है, बस उसी हटने के चक्कर में जॉन सीना गिर गया, बस इतना ही, कोई फेक नहीं है, मजेदार। एंड हियर इज अंडरटेकर्स फेमस टॉम स्टोन। ओहो, आप लोगों को लग रहा होगा ये स्लो मोशन में देख के जॉन सीना का सर नहीं लगा होगा फ्लोर पे। अरे आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या फ्लोर पे सर लगना जरूरी है? नहीं है जरूरी। कान का प्रेशर देखिए, अंडरटेकर के लेग से कान में जो प्रेशर बनाया है, ओह, इस प्रेशर को नापने का कोई भी मशीन नहीं बना। इंजीनियर से पूछिए, कोई मशीन बना क्या? नहीं। और इन भाई साहब को देखिए, ये कहां पंच मार रहे हैं? अरे अपने दूसरे हाथ में। अच्छा, दूसरे हाथ से सर को जो पकड़ के रखा है ना, तो एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से सर में, चोट तो लगेगी सर पे ही, बात तो वही है ना, मारने से होता है। और ये क्लिप देखिए, कहीं पे कुछ हो ना हो WWE में रेस्पेक्ट पूरी तरह से मिलती है। इन बुढ़ाओं को देखिए, बुढ़ाओं ने भी बच्चे को उठाया और बच्चा रेस्पेक्ट देते हुए अपना सर खुद पर खुद पटक लिया। ओए होए, क्या रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट कहीं पे मिले ना मिले, WWE में जरूर मिलता है। अरे अरे अरे, चौकिए मत, ऐसा ही होता है जब कोई जंगली हाथी को टक्कर मार देना, तो ऐसे ही उठता हुआ गिरेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने आप को कभी जंगली हाथी से टक्कर मरवा के दिखाइए, कहाँ जाते पता बाद में चलेगा। और लोग बटिस्टा को फेंक बोलते हैं। जॉन सीना भाई अगेन। अरे अरे, क्या हुआ, उनके हाथ से ब्लेड गिर गया। अरे ब्लेड तो चाहिए होता है ना WWE में, कभी कभार अगर खून निकालना हो, अपना खून दूसरे का नहीं, मार मार के कितना खून निकालेंगे, कभी कभी अपना खून भी निकालना जरूरी होता है दिखाने के लिए। अरे ये ब्लेड था, गिर गया। और रेफरी का काम तो देखिए, ओहो क्या हाथ की सफाई है, किसी को भी नहीं दिखा, मुझे भी नहीं। इस क्लिप में तो देखिए, ओहो क्या धक्का लगा है, क्या जोर से धक्का लगाया है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि हाथ से धकेल के स्टेप्स को गिराया गया, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है ना, जब भी कोई किसी को धक्का मारता है तो ऐसे ही गिरते हैं, नॉर्मल है, नेचुरल है, और कैसे गिरेंगे, ऐसे ही तो गिरते हैं, क्या फेंके। अरे अरे मोटा भाई, कहाँ पे लात मार रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, एयर की हवा में लात मारना, अच्छा सही है सही है। और आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला? अगेन एयर किक, बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब एयर किक के बदले में एयर किक, हवा में लात मारो, हवा जाके दूसरे के पेट में मरेगा, वो गिर जाएगा। अरे वाह, बढ़िया। ओह माय गॉड, वाओ। अभी आती है अपनी छोरियों की बारी, अपनी छोरियां, छोरों से कम है का। तो अभी देखिए ये उड़ती हुई, ओए कहां पे, कहां जा रहे थे, कहां गिर गए? अरे बीच में लैंडिंग होगी, होता है कभी कभार, होता है कभी कभार, होता है। उफ, कोई तो उठा लो, अरे मिल के उठा लो, दो जन मिल के उठा लो। अरे उठा
दिखा तो लो। और इस क्लिप में ये देखिए WWE का बिल्कुल नया मूव सेल्फ रिंग आउट। बट व्हाई? अरे अरे, ये ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये है दोस्ती, जब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करता है। अरे वाह, क्या बैक फ्लिप है, कमाल धमाल बेमिसाल, क्या फ्लिप मारा रे बाबा। इस फ्लिप की वजह से जो रिंग हिला ना, जो रिंग का फ्लोर हिल रहा था, बस इसी झटके ने दूसरे रेसलर को गिरा दिया और कुछ नहीं। व्हाट अ गेम चेंजिंग मूव, वाह मजा आ गया। स्टार्ट विद जॉनसन एंड एंड्स विद जॉनसना। ओए भाई ने क्या मुक्का मारा जमीन पर, एक मुक्के से पूरी जमीन हिला दी। अगर इस तरह से भूकंप आएगा ना तो कोई भी सोते हुए उठ जाएगा, तो उनकी क्या गलती है, सो रहे थे उठ गए, जमीन हिल गई और क्या चाहिए। वाह क्या लॉजिक है, क्या एक्शन है। इस एक्शन के सामने तो आपकी टॉलीवुड फिल्में भी पानी कम चाय है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आप लोगों को ये भद्दा फिजिक्स और बेकार लॉजिक का क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे, जिंदगी में उम्मीद जगाते रहे। हैव गुड लाइफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।